Assalamu alaikum, this is Wasif Riaz. Welcome back to my channel. This is day 17 of my 30 days challenge on my treadmill. और आज काफ़ी मज़े का दिन गुजारा मैंने अपने बेटे के साथ. वी वेंट आउट फॉर शॉपिंग, रूम राउंड करके सारा सैटरडे इस तरह पास किया. आज अपनी कल वाली वीडियो भी नहीं अपलोड की, वो भी अभी एडिट करके अपलोड करनी है. आज जो बुक है वो है टॉक्सिक पॉजिटिविटी बाय विटनी गुडमैन. तो वो जैसे जैसे हम वॉक करते जाएंगे उसके भी की मैसेजेस के बारे में बात करेंगे और आखिर में माय ओपिनियन ऑन दैट बुक के क्या वो मैसेजेस वाकई रियलिस्टिक हैं या इट्स जस्ट अनदर बुक टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविटी इन अ डिफरेंट वे. इस बुक के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं. तो ये बुक मेनली लिखी गई है सोसाइटी जिसको सामने रखा गया, दैट्स यूनाइटेड स्टेट्स. और उसमें एक किस्म का कल्चर बन गया हुआ है कि यू आर ऑलवेज सेलिंग पॉजिटिव वाइब्स. हर एक को आप कहते हो बी पॉजिटिव, यानी कि हर सिचुएशन में, इट्स वर्क, इट्स पर्सनल, तो एवरीवन इज सेलिंग दैट काइंड ऑफ आइडिया ऑफ बीइंग पॉजिटिव. तो ऑथर का ये बुक लिखने का मकसद ये भी है कि जस्ट टू टेल पीपल टू स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप ओवर सेलिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविटी. क्योंकि वही बात है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इवन योर पॉजिटिव वाइब्स. क्या आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश करते हो और उसका आपके पॉजिटिव होने की वजह से लोगों की लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं. बुक में कोई इतने ज़्यादा मैसेजेस नहीं थे तो आई फोकस ऑन माई वॉक. काफ़ी दिनों बाद आई लिसन टू म्यूज़िक मोस्ट ऑफ द टाइम. और जो दो मैंने ये मैसेजेस हैं, फर्स्ट वन इज़ के आप यानी कि एक कल्चर बन चुका हुआ है जैसे कि मैंने बात की थी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स की. जब किसी बंदे की जॉब चली जाए, एक एग्जांपल है, तो उसमें दूसरे बंदे को आके ये नहीं कहना चाहिए कि लुक एट द पॉजिटिव साइड, देखो तुम्हारे पास कितना फ्री टाइम होगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. उस बंदे की जॉब चली गई है ही, उसके पास शायद खाने के पैसे ना हो, हज़ार चीज़ें होंगी. इसी तरह अगर किसी का कोई लव्ड वन जो है उसकी डेथ हो जाती है तो डोंट से राइट अवे कि दे आर इन अ पॉजिटिव प्लेस. उस टाइम पे फ़र्क नहीं पड़ता. व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इन दीज सिचुएशंस इज़ प्रोवाइड सपोर्ट और उनकी बात को सुने. ग्रीफ और दूसरी चीज़ें, इस तरह लॉस ऑफ जॉब या लाइफ में कोई इस तरह का बुरा इंसिडेंट, दैट डजेंट गो अवे. कोई स्विच नहीं लगा हुआ कि पॉजिटिव वाइब्स आएंगी तो वो चला जाएगा. उस टाइम पे यू माइट इरिटेट द अदर पर्सन, सही हो गया. और दूसरा मैसेज वो ये है कि लेट पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. अगर कोई सैड फील कर रहा है या हैप्पी फील कर रहा है या इरिटेटेड फील कर रहा है तो उसे थोड़ा सा टाइम दें. फीलिंग भी एक वेव की तरह होती हैं कि दे कम, दे पीक एंड देन दे ड्रॉप. तो गिव एवरीथिंग टाइम, लेट इमोशंस फ्लो फ्रीली और दैट विल सेटल. व्हाट यू कैन डू अगेन वो यही है कि ऑफर सपोर्ट, लिसन टू पीपल. इफ दे नीड योर हेल्प देन यू हेल्प देम. जो जिस तरह एक और एग्जांपल है कैंसर के पेशेंट की दी हुई है कि कैंसर के पेशेंट को सारे आगे कहते रहते हैं कि यू विल बी फाइन, लुक एट द पॉजिटिव साइड एट्सेट्रा. तो ये नहीं करना चाहिए. सो दैट वाज द की मैसेज ऑफ द एंटायर बुक. और दूसरा, क्योंकि ये यूएस के कल्चर के बारे में मेनली ऑथर ने लिखी है बिकॉज शी इज़ बॉर्न एंड रेज देयर, तो उसने ये भी चीज़ हाईलाइट की है जो दूसरी कम्यूनिटीज़ हैं लाइक ब्लैक पीपल, उनको अपने इमोशंस फ्रीली नहीं एक्सप्रेस करने दिए जाते. और जो माइनॉरिटीज़ हैं जिस तरह रेफ्यूजीज़ वगैरह हैं, उनको भी नहीं करने दिए जाते. अगर कोई ब्लैक पर्सन करता है उसको कहते हैं कि यू आर बीइंग रूड ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह करके उसको शट ऑफ कर देते हैं. और अगर कोई रेफ्यूजी कंप्लेन करे तो उसको कह देते हैं कि यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर बीइंग इन दिस कंट्री और यू शुड गो बैक टू योर होम, इस तरह की चीज़ें. तो अल्टीमेटली यही बात है कि भाई बी मोर ओपन माइंडेड,
लिसन प्रॉपरली, लिसन टू पीपल्स फीलिंग, और अपनी जजमेंट जो है लोगों पे इम्पोज ना करें. अपने जो फेक वो काइंड ऑफ आपने फेक अपना आप बनाया हुआ है, फेक लेबलिंग की हुई अपने आप को पॉजिटिव पर्सन की, वो करने की कोशिश ना करें हर एक पे. सो माई रिफ्लेक्शन काफ़ी छोटी बुक थी. मैसेज अच्छा है लेकिन कोई प्रैक्टिकल टिप्स नहीं दी, बस उसने एज अ मीनिंग कह लें कि एक साइकोलॉजिकल स्टडी उसने पब्लिश की है अपनी, अपने पेशेंट्स को देख देख के और उनकी लाइफ पे उसने कुछ लिखा है. बट देर इज़ नॉट टू मच रीडिंग टू डू, देर इज़ नॉट टू मैनी की मैसेजेस कि आप प्रैक्टिकली इसको लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन चीज़ों को. बस इट्स अ काइंड ऑफ मैसेज टू दोज पीपल जो ये पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं बजाय इसके कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं. ठीक है, तो गुड बुक अगेन. होपफुली उन लोगों को पढ़नी चाहिए जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स लेके लोगों के पास जा रहे होते हैं, एंड इट माइट चेंज देयर पर्सपेक्टिव और हाउ दे डील विद पीपल इन फ्यूचर. सो आई एम डाउन ऑलमोस्ट 4.4 miles. मेरा टाइम, मेरा डिस्टेंस कंप्लीट होने वाला है आज करके तकरीबन 85 miles इन टोटल हो जाएंगे ट्रेडमिल पे. थैंक यू फॉर अगेन वॉचिंग, कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज़. If you like, please subscribe the channel so I can grow this community, and I'll try to bring more knowledge from the books, more knowledge from my practical experience, aur kuch cheeze jo help kar sakti hain kisi ko bahar aane mein ya settle hone mein, un cheezon ke bare mein baat karta rahunga. Thank you for watching. Allah Hafiz. Have a very nice weekend.